धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 जो पेश किया है, मैं ये सोचता हूँ कि इस बिल के पारित हो जाने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है उन कारखानों में, उन फैक्ट्रियों में, दुकानों में, बागानों में कार्य करने वाली मेरी उन गरीब दलित पिछड़ा और कमजोर वर्ग की महिलाओं को निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा लाभ इससे मिलने वाला है। मान्यवर, हमारे देश की जो गरीब परिवारों से, दलित परिवारों से जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो जो कारखानों में कार्य करती है, दुकानों में मजदूरी करती है, वो भी चाहती है कि मेरी कोख से जो बच्चा पैदा हो, मैं उस बच्चे का लालन पालन ठीक प्रकार से कर सकूं, बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करवा सकूं और निरोग और तंदुरुस्त रख सकूं। मान्यवर, इस बिल में जो हम आज पारित करने वाले हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मान्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने जो एक समय सीमा थी केवल मात्र 12 सप्ताह यानी 3 महीना, उसको बढ़ाकर 26 सप्ताह लगभग 6.5 माह से भी अधिक का समय निश्चित किया है, तो मैं सोचता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ उन बहनों और माताओं को होने वाला है। श्रीमान, कारखाने में जो कार्य करने वाली हमारी बहनें बेटियां हैं, प्रसूति के 26 सप्ताह बाद और जो तकलीफ उनको होती है उसके बारे में भी, और हमारे मंत्री महोदय ने उनके तकलीफ को, दर्द को भी समझा है। होता यह है सर कि 26 माह तक एक माँ अपने बच्चे के साथ रहे, दूध पिलाए और उसके बाद तुरंत उसको छोड़कर और पूरे दिन के लिए कार्यस्थल पर चला जाना, तो एक दुविधाजनक स्थिति होती है। वो जो पीड़ा है वो माँ या वो शिशु ही समझ सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल के माध्यम से जो कार्यस्थल पर शिशु कक्ष का जो निर्णय किया है वो भी स्वागत योग्य है। केवल निर्णय ही नहीं, उसमें यह भी प्रावधान कर दिया है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, सालने और संभालने के लिए दिन में 4 बार और जाकर के और बच्चे की देखरेख कर सकती है। माननीय उपसभापति महोदय, कारखाने फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली उन महिलाएं के बारे में हम विचार करें तो सत्यता यह है कि वो इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं। एक जो इस बिल में प्रावधान किया है कि इसके माध्यम से जो उनको मातृ सुविधा, प्रसूति सुविधा है, उसका ज्ञान जो करवाना होता है उसमें कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया गया है कि उसको जैसे ही नियुक्ति मिलेगी प्रथम नियुक्ति के समय लिखित में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचित करना, समझाना कि ये तेरा अधिकार है, इसके माध्यम से तेरो को लाभ मिलने वाला है। इसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, इस बिल को पारित होने से देश में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक महिला जो 26 सप्ताह सवैतनिक अवकाश लेने के पश्चात वह निश्चित होकर प्रसव पूर्व भी और प्रसव के पश्चात भी निश्चित होकर प्रसव का कार्य भी करेगी और उसके बाद उस बच्चे का लालन पालन कर, स्तनपान पूर्णतया करवा कर और तंदुरुस्त बच्चे को तैयार करेगी, इससे निश्चित ही शिशु मृत्यु दर घटेगी। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय लल्ला जी का स्टेटमेंट था। श्रीमान जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर शिशु मृत्यु दर 13% है और संख्या अगर मैं बताऊंगा तो आश्चर्य होगा, 1.56 लाख ऐसे बच्चे जो स्तनपान के अभाव से और दुनिया में नहीं रहते, उन माताओं की कोख खाली हो जाती है। तो मैं सोचता हूं कि इस बिल के माध्यम से उन माता बहनाओं को बहुत सुगंध मिलेगा कि वो अपना पूरा समय देकर 26 सप्ताह तक लालन पालन, उसके बाद भी अपनी छत्र छाया में उस बच्चे को बड़ा करने का दायित्व भी पूर्ण करेगी। श्रीमान उपसभापति महोदय, हमारे देश में कुछ समय पहले तथाकथित प्रगतिशील व्यक्तियों ने पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित होकर एक अभियान चलाया और उसको मीडिया के माध्यम से एक भ्रम पैदा किया। वो भ्रम यह था कि इसके अंदर बच्चे को, अगर बच्चे को मां का दूध पिलाया गया
तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। डिब्बा बंद पैक दूध पिलाइए, ऐसा एक भ्रम फैला। साथ ही मेरी उन माताओं बहनों को भी भ्रमित किया गया और ये कहा गया कि यदि आपने स्तनपान करवाया तो आप बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, जवानी में बुढ़े दिखने लग जाएंगे। श्रीमान, वो भ्रम ऐसा इस देश में चला दुर्भाग्य से कि उससे हमारे जो बालक हुए वो ढीले पीले कमजोर होने लगे। साथ ही हमारी बहनें माताएं भी, उनकी दुर्गति भी हुई, वो भी बीमार रहने लगी, कई रोगों से ग्रसित हो गई। लेकिन सौभाग्यशाली है हम कि भारत सरकार ने भी और हमारे जागरूक नागरिकों ने एक अभियान चलाया। अभी तो अभियान स्तनपान को लेकर के इतना अच्छा चल रहा है, खूब विज्ञापन हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में माँ का दूध अमृत के समान है। हमारे मेडिकल साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। श्रीमान, दो मिनट लूंगा सर, हम आज्ञाकारी आपके आदेश से स्टैंड अप और सिट डाउन करते हैं, एक दो मिनट लूंगा। वेरी गुड पॉइंट यू आर सेइंग श्रीमान। यस सर। श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं गांव से हूँ, डिलीवरी के वक्त एक बात कही जाती है, ये कहते हैं कि क्या बच्चे का जन्म हो गया, इसने माँ का प्रथम दूध पिया या नहीं। श्रीमान, प्रथम दूध में वो ताकत है, माँ की प्रथम दूध में अमृत के समान है, सत्य में उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। उस दूध को पीने से बच्चा मजबूत होता है, कभी बीमार नहीं होता। एक बात कह के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। जब स्तनपान और दूध की बात आई तो मैं शेयर करना चाहूंगा, एक मन में बात आई, मुझे शिवाजी की याद आ गई, शिवाजी की माँ जीजाबाई। एक घटना थी, जीजाबाई जब शिवा छोटे थे, जीजाबाई कार्य में व्यस्त हो गई, शिवाजी बहुत रोने लगे, तो श्रीमान दासी से रहा नहीं गया, उनका ममत्व जागृत हो गया और उसने उस शिवा को दूध पिला दिया, अपने स्तन से स्तनपान करवा दिया। जैसे ही जीजाबाई को पता लगा, उसने तुरंत प्रभाव से और बच्चे को उल्टी करवाई, दूध वापस निकलवाया। उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव ये था कि जीजाबाई समझती थी, जीजाबाई को पता था कि स्तनपान कराते समय और उस माँ का मस्तिष्क कैसा है। उस दासी ने निश्चित ही डर के मारे और इस प्रकार का स्तनपान कराया है, कहीं मेरा बच्चा कमजोर ना हो जाए। जीजाबाई को लक्ष्य था शिवाजी के माध्यम से मुगलों को परास्त कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना उसे करवानी थी, इसीलिए उल्टी करवा करके ये काम किया। श्रीमान, मैं राजस्थान से हूँ, एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ पर मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप के लिए कहूंगा, और इतने सूरवीर थे, इतने सूरवीर थे श्रीमान, उसके लिए एक मिनट सर, उसके लिए कहावत हमारे यहाँ चली है श्रीमान, उसके लिए कहावत श्रीमान, देखिए हम श्रीमान, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर जो व्यवस्था की गई है, ऐसे सूरवीर, ऐसे हमारे देश के नौजवान पैदा होंगे उसके अंदर निश्चित तौर पर, और हमारे यहाँ श्रीमान मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बिल का मैं समर्थन भी करता हूँ, और साथ में ये भी बताना चाहूंगा आपको कि इस बिल के पारित होने से इस भारत की भूमि पर प्लीज एक भी कमजोर बच्चा नहीं रहेगा। ये बिल दलितों के लिए, ये बिल गरीबों के लिए, ये बिल उन महिलाओं के लिए, श्रीमान उसको पारित करें, मेरा पूरा समर्थन।